पाठशाला। पढ़ना बहुत जरूरी जानो चाहे मानो या ना मानो। किताबों को तुम दोस्त बना लो, इनके संग तुम हंस लो गालो। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। सुनौली, ये रास्ता सुनौली को जाता है, भारत के किसी पहाड़ पे बसा छोटा सा गांव। अबीर, अबीर शहर जा बसा है, जहां खेतों की जगह गाड़ियां हैं और बादलों की जगह धुआं। गांधी जी ने कहा था, भारत गांव में बसता है, मगर हिंदुस्तान के दूर पास छोटे बड़े उपजाऊ बंजर कोनों में बसे ये गांव अक्सर हम भूल जाते हैं। कभी वहां सड़क नहीं पहुंचती, कभी बिजली वहां का रास्ता भूल जाती है, और जिंदगी वो हैरान परेशान रोजगार तलाशती अक्सर शहरों में आ बसती है। सुनौली भी एक ऐसा ही गांव है, शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर। लोग खेती करते हैं, आपस में दुख सुख बांटते हैं और फसल पकने का इंतजार करते हैं। हाँ, एक छोटा सा स्कूल भी है जहां इस गांव के सपनों की फसल उगती है। इस पहाड़ी रास्ते की तरह सुनौली की जिंदगी भी बेहद खूबसूरत है और बेइंतहा मुश्किल। बाहर रह के कितना पतला हो गया है, कुछ खाने वाने का ध्यान भी नहीं रखता ना। तू यहाँ नहीं था तो यार खाली लगता था। बाबा बस एक मैं ही तो नहीं था। अरे घर में है ही कितने लोग, तीन ही तो है, उसमें से एक चला जाए तो घर तो खाली लगेगा ही बेटा। बिल्कुल सही कहा माँ साहब जी ने, ऐसा लगता ही नहीं था कि घर में कोई है, और माँ साहब की आवाज भी बस स्कूल में ही सुनाई देती थी। और देखो ना भाई जी, इतने दिनों में मुझे भी बस एक आध बार ही डांटा इन्होंने। अच्छा, मतलब मेरे यहाँ नहीं रहने की वजह से तेरा फायदा हो गया। नहीं भाई जी, मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए, और आपके यहाँ ना रहने से माँ साहब को मैंने इतना उदास देखा है ना कि दिल करता है कि आपको यहाँ से जाने ही ना दूं। देखा वीर, मेरा नाम लेके फोन अपने दिल की बात कर रहा है, अब इससे भी यहाँ दिल नहीं लगता है। हमेशा कहता रहता है वीर भैया यहाँ होते तो चाय मांगते, नहीं तो वो कोई मीठा खाने को मांगते हैं। अबीर बेटा, अब आगे का क्या सोचा तुझे? आगे का मतलब बाबा? मतलब अब तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई ना बेटा? हाँ बाबा, पढ़ाई तो पूरी हो गई है, नौकरी करूंगा कोई। बाबा आपने मेरे लिए जिन सुखों को त्यागा है ना, उनको एक एक करके आपको वापस दूंगा। बेटा मेरा सबसे बड़ा सुख तो तू है, स्कूल तो मैं चला ही रहा हूं, है? अब तू भी यहां कोई देहरादून में कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले बस। देहरादून में? बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, मैं मुझे देहरादून में कौन सी नौकरी मिलेगी? अरे चलो कोई बात नहीं, कोई नौकरी नहीं तो कोई कुछ अपना नया काम शुरू कर दे। क्या हुआ बाबा? वो मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ बाबा बेंगलोर में। इंटरव्यू बेंगलोर में? हाँ बाबा, अगले हफ्ते तक तो वो बता भी देंगे कि ज्वाइन कब करना है। क्या कह रहा है तू? तो यहाँ नहीं रहेगा बाबा? अब नौकरी बेंगलोर में है तो रहना भी वहीं पड़ेगा। तूने तो मुझे बताया तक नहीं कि तूने अप्लाई किया है। बाबा मैंने अप्लाई नहीं किया, कैंपस से रिक्रूटमेंट होती है, इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ी कंपनी है बाबा, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। तूने कभी ये नहीं सोचा कि तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? हाँ भाई जी, माँ साहब ने एक एक दिन बहुत मुश्किल से काटे आपके बगैर,
और अब आप उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बाबा आप समझ नहीं रहे, मैं यहाँ रहकर करूंगा क्या? मेरा इतना सब पढ़ाई करने का फिर क्या फायदा? पढ़ाई का मकसद होता है ज्ञान लेना, पढ़ लिख कर घर छोड़ना नहीं होता है। और तुम सुनो, और मैं और कितने दिन जीऊंगा? तुम यह बड़े शहर का चक्कर छोड़ दो, तुम यहीं देहरादून में रहो, यहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा। बाबा मुझे यहाँ वैसा काम नहीं मिलेगा जैसी नौकरी वो मुझे वहां दे रहे हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों को ऐसी नौकरी मिलती नहीं है जैसी मुझे मिल रही है। कितनी कोशिशें करते हैं लोग ऐसी नौकरी के लिए, मुझे इतनी आसानी से मिल रही है और आप कह रहे हैं मैं ऐसे छोड़ दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं, मैं चाहता कि तू यही रहे, मेरी आंखों के सामने रहे। और मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा? इस सब तुझे ही संभालना है बेटा, समझे? और अब ये तय रहा कि तू यहां से नहीं जाएगा, समझे? मैं जा रहा हूं, ये काम है। चाचा जी ने कितना इंतजार किया तुम्हारा, वो तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकते अभी। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें जाने के लिए कहा होगा। जो मान है ना तू वो मान, मैं जा रहा हूँ। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। आज मुश्किल घड़ी में वो लौट रहा है तो ये रास्ते जैसे हाथ पकड़े साथ साथ दौड़ रहे हैं उसके। अरे अबीर भाई, आप कब आए? बस अभी आया हूँ। चलिए आइए, छोड़ देता हूँ, बैठिए। नहीं नहीं तू जा, मैं आ जाऊंगा। अरे नहीं, इतना बड़ा बैग है आपके पास, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा एक काम करिए, इस बैग को ले जा। चलिए मैं आता हूँ, मैं यहाँ कच्चे रास्ते से आ जाऊंगा। चलिए बैग रखेंगे, तू जा। चलिए यार, अब कब तक ऐसे मुंह फुला के खड़ी रहेगी? चाहे तो पिला दे यार। देख मुझे देर हो रही है, मेरी बस निकल जाएगी। अच्छा है निकल जाए, मैं तो चाहती भी यही हूँ। देख मजाक मत कर, मुझे देर हो रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अबीर? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा।
यार अब तुझे बताने ही तो आया हूँ। हाँ अब जाते जाते इसकी भी क्या जरूरत थी, चाचा जी से तो मुझे पता चल ही जाता ना। वैसे चाचा जी ने तुम्हें जाने के लिए बोल दिया, रोका नहीं उन्होंने? अरे रोका लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि ऐसी नौकरी इतनी जल्दी से मिलती नहीं है। समझ आ गया या तुमने समझा दिया? यार देख तुझे जो समझना है वो तेरी मर्जी, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है। तुम यहाँ नहीं थे, पता है चाचा जी ने कितना इंतजार किया तुम्हारा, वो तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकते अभी। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें जाने के लिए कहा होगा। जो मान है ना तू वो मान, मैं जा रहा हूँ। अबीर रुको ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। की कोई जरूरत नहीं, मुझे देर हो रही है, ये बस छूट गई तो ट्रेन भी छूट जाएगी। तेरी माँ गुजर गई थी, माँ साहब ने बाप और माँ बनकर पाला है तुझे, तेरे सिवा उनका है ही कौन? अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। चाचा जी। राम राम अबीर बेटा, कैसे हो भाई? हाँ मैं अच्छा हूँ। पर वो अपने माँ साहब कैसे हैं? माँ साहब भी बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत दिन से देखा नहीं उन्हें, लगता है स्कूल का कामकाज बढ़ गया है काफी। हाँ स्कूल का काम बहुत बढ़ गया है। हाँ दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, कभी शहर जाना है स्कूल के बच्चों के लिए किताबें लाना, बस यही सब। बिल्कुल स्कूल के लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने। कितनी बार कहा है चाचा मैंने उनसे, इतना काम बढ़ गया है आप किसी को अपनी मदद के लिए रख लीजिए, लेकिन कहते हैं कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को रख सकूं। हाँ अब आप ही बताइए मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं नहीं तुम्हारी बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर मास साहब की बात भी तो अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है ना, बिल्कुल ठीक है उनकी बात। अब देखो ना स्कूल में कितने ही बच्चे तो बिना फीस दिए पढ़ते हैं। चाय पियोगे क्या? हाँ चाचा दो चाय बना दी। अच्छा अच्छा तो तू बेंगलुरु में नौकरी ले रहे हैं? हाँ यार अच्छी कंपनी है, पैकेज अच्छा दे रही है। तो कब से ज्वाइन कर रहे हैं? अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। मास्टर जी को पता है कि तू जा रहा है? नहीं यार हिम्मत ही नहीं उन्हें बताने की यार, जब वापस आए थे तो वो इतने खुश थे, फिर हिम्मत ही नहीं कर पाया कुछ बताने की। जब तू जानता है कि उन्हें दुख होगा तो यही क्यों नहीं रह जाता? यार पवन मेरे करियर का सवाल है यार। अरे यहाँ भी लोग काम करते हैं, यहाँ भी पैसा कमाते हैं। अरे मुझे पता है यहाँ की जिंदगी कैसी यार, छोड़ ना तू। लो बेटा चाय पियो। अरे वाह पियो। तुझे पता है पवन,
यहाँ की ढलती शाम का ये नजारा और हाथ में चाचा की चाय का ये प्याला वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत मिस करूंगा यार ये सर। तो क्यों जा रहा है यार? वैसे भी मास्टर जी का यहाँ तेरी जरूरत है, और तेरे अलावा उनका यहाँ है ही कौन जो ख्याल रख सके उनका। और यार ये नौकरी का चक्कर यही कुछ कर ले। क्या बोल रहा है यार तू? हाँ, कैसी बात कैसी कर रहा है तू? ये इतना पढ़ाई लिखाई में मेहनत करा, तू कह रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठ जाऊं? नहीं यार। लेकिन यार मेरी बात सुन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं और फैसला बदलने वाला नहीं। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। अब तूने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कौन इतनी जल्दी बुला दिया चाची? अबीर, तू आ गया? चल बैठकर बात करते। कैसे नहीं आता चाची, बाबा की तबीयत सुन के कैसे रुक जाता? अच्छा हुआ तू आ गया, मां साहब की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन चाची मेरी समझ में नहीं आता, पापा इतना बीमार है, मुझे इतनी देर से खबर क्यों की गई? मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? बेटा, मां साहब से मैंने भी कहा था और गांव वालों ने भी कहा था, लेकिन वो तो जिद पकड़े रहे कि तुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। तभी कोई बात हो, मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अब मां साहब से कुछ कहो तो कहते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है अभी, उसे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। अब उन्हें कैसे समझाएं? और फिर उनकी बात को कोई टाल भी तो नहीं सकता ना। सही कह रही हैं आप चाची, उनको कौन समझा सकता है, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। बस एक मैं ही था जो उनकी बात को टाल के चला गया। नाराज होंगे मुझसे, शायद इसीलिए फोन नहीं करने दिया। अब तू आ गया है ना बेटा, अब जब तक वो ठीक ना हो जाए ना तब तक मत जाना, और हाँ जब जाएगा ना तो उन्हें बोल कर जाना कि बाद में अपना अच्छे से ख्याल रखे। लेकिन चाची उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? बेटा, मां साहब के दुख को मैं समझ सकती हूँ। जब तू बहुत छोटा सा था ना, जब तेरी मां गुजर गई थी, मां साहब ने बाप और मां बनकर पाला है तुझे, तेरे सिवा उनका है ही कौन? तेरे जाने के बाद तो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। हम मन खुश ना हो तो खाना भी तो नहीं लगता ना, बस बिस्तर पकड़ लिया। अब तू चिंता मत कर, अब तू आ गया है ना, मां साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे तुझे देखकर बड़े खुशी हुए होंगे। नहीं चाची, मैं उनसे अभी मिला नहीं, मैं अभी अभी आया हूं, घर ही जा रहा हूं। क्यों, तू अभी घर नहीं गया? लेकिन तेरा सामान कहाँ है? वो मुझे रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया था तो स्कूटर से ले गया। तो तू यहां बैठकर क्या बात कर रहा है मुझसे? तू पहले घर जा, मां साहब से मिल। जी सर। कम से कम उन्हें तसल्ली होगी तुझे देखकर कि तू आ गया है। ठीक बेटा, जा जल्दी जा। ठीक है चाची, खुश रहे। एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। अपनी तो पाठशाला।
रावत कौन आया है? अबीर। पिताजी, मैंने सोचा था अगर तू नहीं आएगा तो क्या होगा। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं आता भला? अरे रावत अब फिक्र छोड़ो, अबीर आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट अब तू ही सब जान से, मेरे पास का नहीं। अरे भाई तुम्हें क्या जल्दी है समझाने की, पहले खुद ठीक हो जाओ फिर समझा देना। ठीक हो जाओ बेस्ट, क्यों मजाक कर रहे हो? पिताजी ये सारी बातें छोड़िए, आप आराम कीजिए, बाद में इत्मीनान से सारी बातें कर लीजिए। मुझे जो करना था सब कर चुका हूं, अब तुझे ही करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब स्कूल तुम संभालो, और कोई कारण नहीं गांव में पढ़ाई का। पिताजी आप पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद खुद संभालिएगा अपना स्कूल। अध्यापक हूं मैं, तुम मुझे ही बहला रहे, अब तुम्हें स्कूल संभालना होगा। क्यों? लेकिन पिताजी मैं सुनो, वहां अलमारी में पासबुक है, उसे निकालो और डाकखाने जा, अमित भाई को वहां समझा देना उस पे तुम्हारा नाम है, 18 साल है उसमें, पर एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। अजीब कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो इस स्कूल का आपको बहुत बड़ा करना, हमेशा कहते थे ना आप। हाँ तो है ना, मेरा ही साहब, तो मैं तुम्हें जिंदा रहूंगा। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया जनता, ठीक है। हाँ भाई नमस्कार, नमस्कार।
जब घर कौन खोलेगा ना देख ले। पिताजी, पिताजी, मास्टर जी, पिताजी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, पिताजी, लबों के रुक जाने से अल्फाज नहीं रुकते, सांस थम जाने से पैगाम नहीं थमते, जिंदगी झुकती नहीं, जिंदगी थमती नहीं, सांसें रुक जाती हैं पर जिंदगी रुकती नहीं। तो तुमने फैसला कर दिया कि तुम अपने दोस्त और गांव को छोड़ के जाओगे? बुरा मत मानिएगा जॉन साहब, लेकिन क्या है कि जो घर होता है ना वो अपनों से होता है, और आपके तो